हाय गाइस, वेलकम बैक टू मेरे चैनल हर्षन। और आज मैं आपको शेयर करने वाला हूँ कि पांच दुनिया के सबसे खतरनाक डॉग ब्रीड्स के बारे में। तो भाई, जैसे कि आपको पता है कि डॉग्स कितने वफादार होते हैं, और वहीं साथ ही साथ खतरा महसूस होने पर किसी की जान भी ले सकते हैं। तो भाई, आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ उन दुनिया के सबसे खतरनाक पाँच डॉग्स के बारे में। उन खतरनाक डॉगीज में सबसे पहला नाम आता है पिटबुल। पिटबुल प्रजाति के कुत्ते सबसे खतरनाक और आक्रामक नस्ल के होते हैं। दुनिया भर के कई देशों ने इन कुत्तों को पालने का प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि अमेरिका सहित कई अन्य देशों में पिटबुल को आज भी पाला जाता है, लेकिन इसमें आक्रामकता को रोकने के लिए बेहतर ट्रेनिंग की जरूरत होती है। साल 2015 में सिर्फ अमेरिका में पिटबुल के हमले से 28 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। और साथ ही साथ इनके वजन की बात करें तो इनका वजन 16 से 30 किलो के बीच होता है, इसलिए इन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक डॉगी माना जाता है। तो वह दुनिया के सबसे खतरनाक डॉगी में दूसरे नंबर पर आते हैं रॉटवेलर। रॉटवेलर प्रजाति कुत्ते सबसे शक्तिशाली के साथ साथ सबसे तेजी में काटने में माहिर होते हैं। साल 2014 में अमेरिका में रॉटवेलर के काटने से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। वही 1993 से 1996 के बीच अमेरिका में कुत्तों के कान काटने से कई लोगों की मौत हुई थी, जिसमें आधे से अधिक लोगों की मौत का जिम्मेदार रॉटवेलर था। यह 1460 न्यूट यानी 148 किलो में दबाव से किसी को काट सकते हैं। इनका वजन 35 से 48 किलो के बीच होता है। कई देशों में इस पालने पर प्रतिबंध भी लगा चुका है। तो भाई, दुनिया के सबसे खतरनाक कुत्तों में तीसरे नंबर पर आते हैं जर्मन शेफर्ड। पुलिसिया कुत्तों के रूप में पहचान बना चुके जर्मन शेफर्ड दुनिया के 10 सबसे खतरनाक कुत्तों में से एक है। यह लोगों पर 108, जिसके बाद बच पाना मुश्किल होता है, जबकि इनका वजन 30-40 किलो के बीच होता है। कई देश में इसे पालने पर प्रतिबंध भी लगा जा चुका है। तो वह दुनिया के सबसे खतरनाक डॉगी में चौथे नंबर पर आते हैं डावरमैन प्रिंसचर। डावरमैन प्रिंसचर प्रजाति के कुत्ते भी पुलिसिया डॉग होते हैं, लेकिन आम लोग भी इसे घरों में पालने लग जाते हैं। ये खतरनाक कुत्ता अजनबी लोगों को देखते ही आक्रामक हो जाता है, लेकिन अक्सर मालिकों को देखते ही शांत हो जाता है। इसके काटने से साल 2011 में एक महिला की मौत हो चुकी थी, लेकिन इसके बाद इसके काटने से जुड़ी कोई खबर नहीं आई। इसका वजन 34 से 45 किलो के बीच होता है। कई देशों में इसे पालने के प्रतिबंध लग चुका है। तो वह दुनिया के सबसे खतरनाक डॉगी में पांचवे नंबर पर आते हैं बुल मास्टिफ। बुल मास्टिफ आक्रामक स्वभाव के कुत्ते होते हैं, जिसके पैर बहुत ही लंबे होते हैं। इस प्रजाति के कुत्ते का वजन 55 से 60 किलो के बीच होता है। 2014 में अमेरिका के न्यूजर्सी में इसके काटने से एक 13 साल के बच्चे की मौत हो गई थी। वहीं टेक्सास में इसके अटैक से एक बच्ची की मौत इसी साल हुई थी। इसका वजन 50 से 59 किलो के बीच होता है। तो गाइस, ये थे को दुनिया के सबसे खतरनाक डॉगी के बारे में जानकारी। तो गाइस, आज के सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको अगली यूजफुल वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स से शेयर करें। बाय, टेक केयर।